सजेगी मांग धरती की, बजेगी धान की पायल, लो फिर मोती लुटाने आ गए आषाढ़ के बादल। राजस्थान में प्री मानसून असल में प्री मानसून की तरह खुशियां लेकर आया है। जेठ की तपती गर्मी से परेशान पेड़ पौधे हों, मूक मवेशी या फिर आम इंसान, सभी के चेहरे खिल उठे हैं। चेहरे खिल उठे हैं क्योंकि गर्मी से राहत मिली है, चेहरे खिल उठे हैं क्योंकि ठंडी बयार चलने लगी है। साथ ही साथ आसमान की ओर टकटकी लगाकर इंतजार में बैठा किसान का मन मयूर भी नाचने लगा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जेठ की तपती गर्मी से परेशान, पसीने से तरबतर जनमानस को मानसून का इंतजार रहता है। चाहे किसान हो, खेत खलियान हो या पशु पक्षी, सभी मानसून की पहली बरसात की बाट जोहते नजर आते हैं। ऐसे में आषाढ़ के बादल यदि पहली बरसात का तोहफा लेकर आ जाएं, तो प्यासी धरती से उठती हुई माटी की सौंधी महक से वातावरण में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां भर जाती हैं। ऐसा ही कुछ पिछले 3 दिन में प्रदेश में चल रहा है। झमाझम होती बरसात से आम जन ही नहीं बल्कि किसानों के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। सीमावर्ती जिले बाड़मेर के किसान इस बरसात को एक शुभ शगुन मान रहे हैं और इस बरसात से बहुत खुश हैं। हमारे समदड़ी संवाददाता प्रेम सोनी कुछ किसानों के पास पहुंचे और उनसे बात की। 2 दिन पूर्व हुई समदड़ी में मूसलाधार बारिश, और इस मूसलाधार बारिश से किसानों के चेहरे पर कितनी खुशी महसूस हो रही है। हमारे साथ में कुछ किसान मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि बारिश उनके लिए कितनी फायदेमंद साबित हो रही है। जी आपका नाम? मेरा नाम देवाराम। देवाराम, ये बारिश आपके लिए कितना फायदेमंद साबित? 100% बहुत अच्छी बरसात हुई है, इसमें कोई कसर नहीं है। अभी भी इंद्रदेव भगवान मेहरबान हुए हुए हैं और 99% क्या 101% अच्छी बरसात हुई है। सब लोगों किसानों के ऊपर ऐसी मुस्कान हो रही है, खेत वगैरह सब लबालब हुए हैं। जिस तरह भगवान रामचंद्र जी और वो लक्ष्मण जी को तीर लगा था, उसी तरह भगवान हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लगी थी, वैसा काम हमारी बरसात सभी तो हो रही है। बूटी की तरह बारिश? हाँ, बारिश अच्छी अच्छी हुई है बारिश से, कोई कसर नहीं है। सब और बारिश कंपनी वाले सब जना को हमारे तरफ बहुत धन्यवाद। ये बारिश कैसी है, आपको फायदेमंद हो रही है? हुक्म हमारे और बराबर तो ना माते वर्षा हुआ है और भैंसण और मुडा बहन पूरा हनुरा है जो भरोसा रोम रहा है उसे उंगलियों करे भगवान ने आराज करे है। कुछ भगवान ने ये कैसा है, बहुत अच्छा करा है। इस साल तो कई सालों से ये ऐसा मौका मिला है। अच्छा, पहली बार अलौतिया अच्छा हुआ है। अब बीज ले को बोए दो थे अच्छा होगा क्या? पहले बार अच्छा हुआ था, पीछे भी अच्छा होगा। ऐसी ही खुशी देखने को मिली है राजधानी के नजदीक चुमू क्षेत्र के किसानों को, जो कि इस प्री मानसून बरसात को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। हमारे संवाददाता आशीष तिवारी चुमू के आसपास के गांवों में पहुंचे और बात की कुछ किसानों से। बहुत बढ़िया हुई है बारिश से, फसल बहुत बढ़िया होगी, बुआई जुताई करेंगे और जमीन का पानी सूख गया, इंद्रदेव बरसेंगे तभी फसल हो सकती है। अब जो बारिश हुई इससे फायदा होगा? इस बारिश से ये फायदा होगा कि हम बुआई जुताई करेंगे। हमारे यहाँ चुमू शहर में 2 रोज से रुक रुक के बहुत अच्छी बरसात हो रही है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। किसान के चेहरे खुशी से झूम रहे हैं, किसानों ने अपने खेत में हल जोतना चालू कर दिया है। बारिश जो किसानों के लिए बहुत अच्छी है, सभी के लिए, खेती भी उजाली और पानी की भी कमी है, जो भी पूर्ति हो रही है और सब काम अच्छा चें। हालांकि इस खुशी के साथ तस्वीर का एक दूसरा रुख भी सामने है। समय पूर्व की बरसात के लिए अनाज मंडियों में कोई पहले से तैयारियां नहीं होने से कई जगह पर बारिश का पानी भर गया, जिस कारण अनाज की बोरियां पानी से भर गयी और सैकड़ों क्विंटल अनाज भीग गया। जरा सी बरसात में नदी नाले उफान पर आने लगते हैं और लोग अपनी लापरवाहियों के कारण हादसों के भी शिकार हो जाते हैं। ऐसे में इसी बरसात को अक्सर आसमान से बरसी आफत कहा जाने लगता है। हम अपनी लापरवाहियों के कारण आसमान से बरस रही नेमत को आफत कहने लगते हैं। केवल प्रशासन ही नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम बरसात में थोड़ी सावधानी रखें, जिससे कि हादसे ना हो और हम मानसून का लुत्फ उठाते रहें। क्योंकि इन बरसते हुए बादलों को देखकर आज हर किसान यही कहता नजर आ रहा है कि ख्वाब तू इस बार सच्चा दे दे, ए मालिक मानसून इस बार अच्छा दे दे। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 TV, जयपुर।